हेलो, इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो बात कर रहा हूँ वो वैकोम का पेन डिस्प्ले है, और ये है वैकोम 1 पेन डिस्प्ले। इसका जो पेन है उसके अंदर कोई भी बैटरी यूज नहीं होती है। जैसे कि पहले क्या होता था कि इस पेन के अंदर एक बैटरी यूज होती थी, जब बैटरी ख़त्म हो गई है तो फिर इसमें बैटरी को या तो रिप्लेस करते थे या फिर इसको ये फिर यूजलेस हो जाता था। लेकिन वैकोम ये जो 1 है, इसमें ये पहला पॉइंट है कि इसकी जो पेन है, इसके साथ जो पेन आपको मिल रहा है उसमें कोई भी बैटरी यूज नहीं करते हैं। क्या फीचर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, एक बार ऑनलाइन देखते हैं। तो ये है वैकोम 1 क्रिएटिव पेन डिस्प्ले। इसके कुछ फीचर्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, सबसे पहले उसको देखते हैं कि क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इस मॉडल का जो डिस्प्ले साइज है वो 13.3 इंच के आसपास है, आसपास नहीं है, इसमें 13.3 इंच है। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं 920x1080 पिक्सल का है। बैटरी फ्री पेन है। टिल्ट रिकॉग्निशन है। टिल्ट रिकॉग्निशन अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, और इससे पहले की एक वीडियो में भी दिखाया था कि जब आप पेन को थोड़ा मोड़ देंगे तो वो कितने एंगल तक वो पेन जो है उसकी सेंसिटिविटी इस सरफेस के साथ रहेगी, दैट मीन्स कि ये लिख सकता है। और साथ में मिले हैं आपको इसके एक लेग्स जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हैं मैनेज, और इसकी कंपेटिबिलिटी जो है वो सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन उनके साथ में है, विंडो है, एंड्रॉयड है, और ये आपका मैक है। तो जो बात की है अभी जिसको एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, तो उसके साथ में ये लेग यहाँ पर इस तरीके से दिए हैं, तो आप इनको फोल्ड कर सकते हैं या इनको आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक एंगल के साथ में आप ये इसको अपने जो पेन डिस्प्ले है इसको रख सकते हैं। अब जो पॉइंट है अबाउट टू दी एंगल जिसको मैं पहले स्टार्टिंग में बात कर रहा था, तो आप इस पेन को किस एंगल पर रखते हैं, इतने एंगल पर भी रखने से ये वर्क करता है, राइट? तो ये है टिल्ट रिकॉग्निशन। तो और जब आप इसको रखेंगे ऐसा सीधा तो तब सेंसिटिविटी ज़्यादा है, बट विद इट, तो अगर आप इसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल के साथ में ऐसे बेंड कर देंगे इस जहाँ तक ये इसके साथ टच करेगा, तो ये तब भी आपका जो है सेंसिटिविटी इसकी रहेगी। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं, और डिस्प्ले साइज काफ़ी है, मतलब किसी एक नॉर्मल मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसी के इक्वलेंट है। तो जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं जिस तरीके से कोई भी, चाहे पीपीटी है, वन नोट में लिख रहे हैं या किसी व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं या कोई दूसरा है, तो उस तरीके से आप कंफर्टेबल होंगे और आपका जो फोकस होगा ओनली ऑन दिस डिस्प्ले होगा। तो ये है इस टाइप से ये फीचर। और यहाँ पर आप साइड में इसके जो है मिला हुआ एक ये पॉकेट, तो इस पॉकेट में यहाँ जो है ये आप पेन रख सकते हैं। यूजुअली यहाँ पेन कोई रखता नहीं है क्योंकि उसके लिए अलग से एक आप कोई ना कोई बॉक्स रखेंगे, लेकिन इस तरीके से ये पेन यहाँ पर आपका रखा जा सकता है, राइट? तो एक ये पॉइंट हुआ है। इससे पहले भी कुछ और भी पॉइंट है, कितना कंफर्टेबल है और किस तरीके से है। तो ये पीपीटी है या कोई भी आपका वाइट बोर्ड है, मैथमेटिक्स का, टीचर फिजिक्स का, किसी सोशल साइंसेस से रिलेटेड है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनके साथ में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं या जो भी आपको एक्टिविटी करनी है एक्चुअली वो यहाँ पर आपका फोकस है, इस पॉइंट पर फोकस है, तो आप उसी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि एक बार जल्दी से फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ हियर आई कैन राइट एनीथिंग और इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू राइट इन टू दी लाइन। सो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो यू कैन यूज दिस वन, और यहाँ यू कैन राइट एवरीथिंग इन इन ए लाइन, राइट? और इन ए सिस्टमेटिक वे। एंड सिमिलरली देर वॉज अनदर सॉफ्टवेयर, दिस इज क्लासरूम प्रेजेंटर, हियर अगेन यू हैड फोकस ऑन दी डिस्प्ले, सो राइटिंग स्मूथ है, और इफ यू हैव टू ड्रा समथिंग सो यू आर जस्ट फोकसिंग हियर,
on the display, and because of that the output your performance will be far better as compared to the जो normal pen tablet है. ये जो pen tablet है, इन pen tablet में actually हम लोग यहाँ पर अपने हाथ की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में उस हाथ को सेट करते हैं विद द मोनिटर. तो वो थोड़ी एक डिफिकल्टी हम लोग फेस करते हैं, बट इन दिस जो पेन डिस्प्ले है, आई हैड ऑब्जर्व मैनी जो कंफर्ट है. तो फॉर द टीचर इन जनरल इसको जो रिकमेंड करते हैं वो जो पेंटर हैं या जो क्रिएटिव आर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए ये रिकमेंड करते हैं, बट आई विल रिकमेंड इट फॉर द टीचर्स बिकॉज आई हैड सीन जो अभी सोन शॉट की ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ नहीं हो सकता है, या फिर मैं अभी पीपीटी को लेकर एक्सप्लेन कर रहा था, या फिर वन नोट को, या फिर दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, या फिर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार बेटर है. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आपके पास में एच डी एम आई सी पी यू की आउटपुट जो एच डी एम आई नहीं है, तब फिर उसके लिए आप उसको एनालॉग टू एच डी एम आई कन्वर्ट करना होगा. और चाहते हैं कि आपके पास में ये डिस्प्ले रहे और एक मॉनिटर की स्क्रीन भी, तो आपको एच डी एम आई स्प्लिटर की भी ज़रूरत होगी. तो वो सब मैं पॉइंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख चुका हूँ, उसको उसका लिंक प्रोवाइड किया है, सो यू कैन सी और यू कैन बेसिकली चेक दिस वैकोम वन डिस्प्ले जो है, एंड I will recommend it for the teacher. So thank you for watching this video, and if you have any question, so you can ask that question. So thank you once again.